प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी देखे थे, क्रिस्टलोग्राफी के नियम, और उसमें हमने देखा था कि जो इंटरफेशियल एंगल है वो किस तरह से एक जो पदार्थ होता है उसका कांस्टेंट होता है। तो जो फर्स्ट लॉ हमने देखा था वो था द लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, और दूसरा जो हम देख रहे थे वो था द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। और इसके अंदर हमने किसी प्लेन को प्रदर्शित करने की दो पद्धतियां देखी थी, एक वाइस सूचकांक पद्धति और दूसरी मिलर सूचकांक पद्धति। हम वाइस सूचकांक से मिलर सूचकांक निकाल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे वाइस पैरामीटर्स किसी प्लेन के इस तरह से है, ए माइनस बी और इन्फिनिटी सी, ये वाइस पैरामीटर्स हैं। वाइस पैरामीटर्स, तो वाइस इंडिसेस हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वन माइनस वन इन्फिनिटी इसके, और जब हम इसके मिलर इंडिसेस निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल वन बाय वन, माइनस वन बाय वन और वन बाय इन्फिनिटी। अब देखिए इसका जब मिलर इंडिसेस होंगे वो इस तरह से दर्शाएंगे, आप वन वन बार, माइनस को हम वन बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये नॉट, ये नॉट से इसका उच्चारण किया जाता है नॉट, तो ये इनको इस तरह से हम बोलेंगे वन वन बार नॉट। तो ये मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका है, हम वाइस इंडिसेस से मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। किसी प्लेन के अगर मिलर इंडिसेस हमें पता है तो हम उस प्लेन को ड्रा कर सकते हैं, हमें ये पता लग जाएगा कि वो कौन सा प्लेन है, कहाँ से पास हो रहा है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस तरह के सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर, सिंपल क्यूबिक लैटिस, वन नॉट नॉट प्लेन, ये कौन सा ऐसा प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस दिए हैं। हम मिलर इंडिसेस को एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एच के एल से, तो इसमें एच के एल वैल्यूज ये हैं। अब ये जो प्लेन है वो कौन सा होगा जिसके मिलर इंडिसेस ये हैं, वन नॉट नॉट है। तो देखिए इसको दर्शाने के लिए हम इस तरह से एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब ये जो प्लेन है ये कहाँ से पास होगा, ये जो एक्सिसेज हैं वो वहाँ कहाँ कहाँ से, ये कितनी डिस्टेंस से ये काट रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वन बाई वन, वन बाई जीरो एंड वन बाई जीरो, यानी वन इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है उसको इकाई दूरी पे काट रहा है, वाई को इन्फिनिटी दूरी पे काट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो वाई को काट नहीं रहा है, उसके पैरेलल है, इसी तरह से वो जेड एक्सिस के भी पैरेलल है। तो जो ऐसा प्लेन होगा वो हम कैसे दर्शाएंगे, जो एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे काट रहा है, जैसे ये यूनिट सेल है तो यहाँ से काट रहा है और वाई और जेड के पैरेलल है, तो ऐसा जो प्लेन होगा देखिए वो ये वाला प्लेन होगा। ये जो प्लेन है ये वाई के पैरेलल जा रहा है और जेड के भी, जेड एक्सिस के भी पैरेलल जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को ये यूनिट लेंथ पे यहाँ से काट रहा है। तो इस तरह से हम इस प्लेन को जिसके जो मिलर इंडिसेस हैं वो ये हैं इस तरह से दर्शाएंगे। अब जैसे दूसरा प्लेन है वन वन नॉट, ये वाला प्लेन है,
इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने के लिए भी हम ये डायग्राम बना लेते हैं। एक्स वाई जेड ये क्यूबिक यूनिट सेल, अब देखिए ये जो प्लेन है ये इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए आप, ये जो मेरा इंडिसेज है 1/1, 1/1 एंड 1/0 यानी 1/1 इन्फिनिटी, इन इस डिस्टेंस पे वो काटेगा, यानी एक्स एक्सिस को इकाई दूरी पे यहाँ से, वाई को यहाँ से ये यूनिट, क्योंकि क्यूब है सारी वजह बराबर है और जेड के पैरेलल हो, तो ऐसा जो प्लेन होगा वो इस तरह से दर्शाया जाएगा। ये देखिए ये जो प्लेन है ये आप देख रहे हैं कि जेड के पैरेलल जा रहा है और एक्स और वाई को काट रहा है, तो ये वाला प्लेन इस तरह से दर्शाया जाएगा। अब एक और ये प्लेन देखिए 1/1/1 प्लेन, जिसके ऐसा प्लेन जिसके मिलर इमेजेस ये है 1/1/1, उसको हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए यहाँ हम उसको दर्शाते हैं 1/1/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1/1 ही आएगा, मतलब ये है कि वो तीनों एक्सिस के ऊपर यूनिट डिस्टेंस के ऊपर काट रहा है। अब इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं, देखिए ये यहां से इसको यहां से और इसको यहां से कट करेगा, इनको बढ़ा दीजिए, ये प्लेन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये प्लेन 1/0 है, ये 1/1/0 है और ये 1/1/1 प्लेन को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से हम प्लेन को प्रदर्शित करते हैं। अब जब लेटिस होता है, क्यूबिक लेटिस होता है, उसमें बहुत सारे यूनिट सेल इस तरह की जमी हुई रहती है, और जैसे हम इन प्लेन्स की बात करते हैं तो इसके बाद दूसरी यूनिट सेल में भी ऐसा प्लेन होगा, फिर आगे वाली तीसरी में भी होगा, और इनके बीच में हम डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो जो डिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला है क्यूबिक लेटिस के अंदर, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। Distance between parallel planes, parallel planes in a cubic system या cubic lattice। ये स्केल हम जानते हैं कि मिलर इंडिसेस को हम प्रदर्शित करते हैं स्केल के द्वारा, तो ये ए यहाँ पे क्यूब की भुजा को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये जो है ये ए भुजा। अब हम इस टाइप के जो प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। देखिए हम एक बार इसको डायग्राम से इस तरह से दिखा सकते हैं, देखिए ये जो प्लेन्स हैं इनके बीच में हम डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं। ये कौन से प्लेन से? ये वाले 1/0, ये जो प्लेन से इनके बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी ये वाली डिस्टेंस इतनी होगी। देखिए हम ये फार्मूला काम में लेते हैं, 1/0 ये कितनी होगी, a अपॉन h का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर
फिर ये जीरो जीरो स्क्वायर है, तो ये इसकी वैल्यू आप देखिए नीचे बंद रह जाएगा, ए आएगी। ये वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये क्यूब की जो भुजा है उसके बराबर ही ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी, तो ये इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी। अब ये जो हमने दूसरे तरह के प्लेन्स देखे उनके बीच में भी हम डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, जैसे ये वाले जो प्लेन्स हैं इनको हम एक बार देखते हैं कि हम कैसे दिखाएंगे। जैसे ये दो यूनिट सेल्स आपस में जुड़ी हुई है यहाँ पे, इस और हम जब ये जो दिखाएंगे ये वाला प्लेन, तो अभी हमने देखा था ये हम इस तरह से दिखाते हैं, ये वाला प्लेन है इस यूनिट सेल है, और इसी तरह से जब हम इसके दूसरी यूनिट सेल में इसके पैरेलल दिखाएंगे तो ये वाला इस तरह से दिखाएंगे। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये पैरेलल जो प्लेन्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, एच और के की वैल्यू यहाँ वन वन है और एल की यहाँ जीरो है, जीरो स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे वन प्लस वन ए अपॉन अंडर रूट टू, तो ये वैल्यू इस तरह से प्राप्त होगी हमारे को इन प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। इसी तरह से हम तीसरे जो प्लेन अभी देख रहे थे वो प्लेन्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन 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 प्लेन्स इनकी बात करते हैं। देखिए हम एक बार देख लेते हैं, ये दो यूनिट सेल आपस में, क्यूबिक यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई है। अब हमने अभी देखा था कि ये जो प्लेन है ये तीनों एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस के ऊपर काट रहा है, इसी तरह से इसमें भी हम दिखाएंगे, इसमें भी ऐसे ही दिखा देंगे ऐसे। तो ये जो पैरेलल प्लेन है दोनों, उनके बीच में हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे, डी वन 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 ये किसके बराबर होगी, देखिए ए अपॉन अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एच के एल तीनों की वैल्यू ही वन 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 है, इसलिए जो डिस्टेंस हुई इन पैरेलल प्लेन्स की बीच में वो ए अपॉन अंडर रूट थ्री है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस का रेशियो है ये भी हम निकाल सकते हैं, ये जो तीनों टाइप के प्लेन हैं उनके बीच में जो ये हमें डिस्टेंस मिली है इनका रेशियो देखिए, ये तीनों प्लेन्स अभी हमने देखा कि इनकी वैल्यूज हमें ये प्राप्त हुई है। तो जब हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरह से प्राप्त होता है, ये वाला हमें रेशियो प्राप्त होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए। तो इस तरह से हम प्लेन्स को प्रदर्शित करते हैं
और जिनकी मिलर इंडिसेस पता है उनको हम इस तरह से दर्शाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।